Good afternoon and welcome to this teleconferencing session of BSc Honours in Optometry and Ophthalmic Techniques program. जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दो दिनों से हम कुछ टॉपिक कवर करते आ रहे हैं. पहले दिन हमने आपको ह्यूमन आई के बारे में बताया. कल हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करी. तो आज हम बात करेंगे कि जो आई एग्जामिनेशन है वो कैसे करा जाता है, हाउ टू एग्जामिन आई, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसको कैसे करा जा सकता है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. ये आपको आपके सेंटर्स में पढ़ा भी दिया गया होगा, थोड़ा बहुत बताया होगा तरीका, पर उसको थोड़ा सा विस्तार से, उसको डिटेल में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. आपके कोई भी सवाल हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम 35-40 मिनट का प्रेजेंटेशन कर चुके हैं उसके बाद आप 5-10 मिनट का जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, या फिर ब्रेक के बाद जो सवाल हो वो कर सकते हैं. अदरवाइज आप जो है फैक्स भेज कर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं. तो अब जो विषय मैंने आपको बताया कि प्राइमरी आई एग्जामिनेशन जो आज हम करने जा रहे हैं, हमारे साथ आज हैं डॉक्टर मोनिका चौधरी, सीनियर फैकल्टी ऑप्टीमेट्री फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. आपका स्वागत, यू आर वेलकम मैम. एंड यू नो आवर स्टूडेंट्स दैट दे आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ पीएससी ऑप्टीमेट्री एंड दे हैव जस्ट रिसीव्ड देयर, सम ऑफ देम हैव नॉट रिसीव्ड दिस बुक ऑल्सो, बट दे हैव बीन टॉट अबाउट दैट द बेसिक ऑप्टीमेट्री. सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू जस्ट टेल आवर स्टूडेंट दैट हाउ टू गो अबाउट द primary eye examination, what are the things, what are the important things, what are the precautions which they should take, and what is the methodology that is being adopted. Thank you so much. Thank you, Dr. Arora. A very good afternoon to everybody. It's my first experience sitting with you all and talking here on teleconferencing. I'm enjoying it. I hope you do. Pardon me for my bad throat today. But what I'm going to teach you all today is, first of all, you all are in first years. Understand that what is your role as an optometrist. When you sit with your patient, what are the primary cares or the examination that you have to do when you deal with your patient. So we'll be discussing कि आप सब लोग, अब मुझे जहाँ तक आइडिया है कि कुछ सेंटर्स में, ओपीडीज में पेशेंट्स को डील करने लग गए हैं या पेशेंट्स को देखने लग गए हैं इन द वे, एटलीस्ट अंडर द सुपरविजन. एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट हमें उसके लिए पेशेंट की कंसल्टेशन में हमारा क्या रोल है, आज हम उसको बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम लोगों को एज अ प्राइमरी आई केयर करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद दी What we are going to actually discuss today is general eye examination and the refractive examination, which will be considered in the next few sessions that we'll be covering up. So patient jab hamare paas aaya hai, uski general eye examination mein sabse pehle hum case history lete hain aur uske second step preliminary examination karte hain. Case history mein hum complaints, symptoms, personal history aur family history ko discuss karenge. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में विजुअल एक्विटी, कवर टेस्ट, ऑक्युलर मोर्टेलिटी, विजुअल फील्ड्स, प्यूपिल फंक्शंस, प्यूपिलरी डिस्टेंसेस एंड स्टेट ऑफ आईज. दिस इज टुडे व्हाट वी विल बी कवरिंग. बेसिकली दो चीजें होगी, एक केस हिस्ट्री और दूसरा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ द आई. यस, जब हम ओपीडी में या पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं इन सब चीजों को हम डील करते हैं प्राइमरी आई केयर में, और हम इसी ब्रॉड आउटलाइंस पे आज डिस्कशन करेंगे. सो सबसे पहले लेट्स गो टू केस हिस्ट्री. केस हिस्ट्री हम क्यों लेते हैं? पेशेंट आया, उसको कोई आई की कंप्लेंट है, सबसे पहले हमारा एम क्या है? वो पेशेंट जो हमारे कमरे में आया है उससे, उसको जो ट्रीटमेंट करवाना चाहता है उसके रीजंस क्या है उस विजिट के, उस चीज को इलैबोरेट करना एक हमारा बेसिक पर्पस है. सो वील बी नाउ टॉकिंग की सबसे पहले हम हिस्ट्री जो ले रहे हैं वो पहला रीजन कि उसकी विजिट क्या है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, किस रीजन से वो आपके पास क्या क्या चाहता है. थर्ड थिंग, उसकी रेलेवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन फैमिली तक वापस जाएगी और टेंटेटिव डायग्नोसिस हमने बनाना है. द ट्रीटमेंट पार्ट इज एन ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट रोल, बट द प्राइमरी पार्ट वील बी डीलिंग.
सो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कम्युनिकेट. आई नो यू आर जस्ट स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड आउट फ्रॉम स्कूल और अब आप लोग एक मैच्योर्ड एटमॉस्फेयर में आ गए हो जहां पे आपको पेशेंट से डील करना है. सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो. एक अच्छा ऑप्टोमेट्रिस्ट वही है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं. आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपकी एक रिलेशनशिप होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए पेशेंट के साथ. शो जेन्युइन रिलेशनशिप दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू गिव बेस्ट रिजल्ट्स फॉर हिम. और हमेशा पेशेंट से जब आप क्वेश्चन करने शुरू करेंगे उसके हिस्ट्री को लेने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए. ओपन एंडेड मतलब जहां पेशेंट खुल के आपसे बात कर सके. क्लोज एंडेड हाँ नहीं एंड ना हो जहां पे क्वेश्चंस का, इस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं जिसमें पेशेंट्स आपको प्रॉपरली आंसर कर सके. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट स्टेप. जो हम पेशेंट के साथ डील करते हैं उसमें है केस हिस्ट्री. और केस हिस्ट्री में सबसे पहले पेशेंट आया, सीधा यहां नहीं पहुंचिए कि आपको तकलीफ क्या है, उसने कहा धुंधला दिखता है, लाल है, बस बात खत्म. नहीं, यू हैव टू नो द पेशेंट्स एज, उसकी फैमिली बैकग्राउंड और उसका ऑक्यूपेशन. ये सब चीजें, उसकी लेजर एक्टिविटीज, उसकी रिक्रिएशन, ये सब क्यों जरूरी है ये आगे हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे. सो केस हिस्ट्री में सबसे पहले जब आपने पेशेंट को एक जनरली ऑब्जर्व किया, उसकी ऑक्यूपेशन को नोट किया, उसकी एज को बहुत ध्यान रखिए और फिर उसके बाद उसकी कंप्लेंट्स पे जाइए. कंप्लेंट्स में सबसे पहले एक कंप्लेंट कही जाती है चीफ कंप्लेंट और सेकंड कंप्लेंट कही जाती है सेकेंडरी कंप्लेंट. तो चीफ कंप्लेंट जिसकी वजह से वो आया, जिसकी वजह से वो आया, और सेकेंडरी वो जो कि आप क्वेश्चन पूछते पूछते उस तक डिराइव करेंगे. राइट, तो चीफ कंप्लेंट बहुत बार क्वेश्चनिंग में आपको तकलीफ क्या है पेशेंट आपको खुद आंसर करेगा. सेकेंडरी कंप्लेंट्स वो हैं जो कि आप पेशेंट से डिराइव करोगे. फिर सेकेंड चीज है सिम्टम्स. अब बहुत बार ऐसे देखा गया है स्पेशली जो कि रूरल बैकग्राउंड्स के पेशेंट्स हैं कि सिम्टम्स को एक्सप्लेन करने में पेशेंट बहुत लोकल लैंग्वेजेस में जाता है. उसकी लोकल लैंग्वेज को आपने समझना है कि वो क्या कहना चाहता है. इट मे नॉट बी कि आपको ये पता है ब्लर्ड, रेडनेस, इरिटेशन, ग्रिटीनेस. नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो पेशेंट आपको क्या समझा रहा है. पेशेंट की जो लोकल डायलेक्ट है वो पता होना चाहिए. तो कुछ लाल को लाली कह देते हैं, कुछ right. जो जिस लैंग्वेज में वो वहां बोल सकता है पेशेंट उसको हमारे को राइट right. और इसमें शर्म नहीं खानी है आप लोगों को, उसको पूरा अंडरस्टैंड करना है. गलत अंडरस्टैंड करने से अच्छा है बिल्कुल उससे कम्युनिकेट करने के लिए जहां तक हो सके आप उसकी लोकल लैंग्वेज में चले जाइए. और सिम्टम्स में दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट इज विजुअल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज नॉन विजुअल क्लासिफिकेशन. तो विजन के साथ साथ आपने नॉन विजुअल सिम्टम्स को भी डिस्कस करना है जो हम आगे स्लाइड्स में डिटेल में भी पढ़ेंगे. फिर पर्सनल हिस्ट्री की कैटेगरी आएगी जिसमें उसकी ऑकुलर हिस्ट्री मतलब उसकी आंख से रिलेटेड कोई पहले कंप्लेंट्स हैं या सिम्टम्स हैं या सर्जरी है, कोई विजुअल हिस्ट्री है, पहले कम दिखता था, पहले ठीक दिखता था, अब ऐसा है, जनरल हेल्थ कैसी है, कोई मेडिकेशन या एलर्जीज है, ये सब हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे. फैमिली हिस्ट्री, फैमिली के आप पेशेंट से ही नहीं आप पेशेंट की फैमिली की हिस्ट्री की तरफ भी जरूर जाएंगे जब आप प्राइमरी एयर के आई केयर करते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, सो वी वर टॉकिंग कि सबसे पहले एक चीफ कंप्लेंट है और एक सेकेंडरी कंप्लेंट है. तो चीफ कंप्लेंट में क्वेश्चंस क्या क्या पेशेंट से पूछे जाएंगे ताकि आप उसकी कंप्लेंट सिंपली अगर उसने कहा कि मुझे रेडनेस है तो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन को पहले डिस्क्राइब करना है. ऑनसेट कब से है आपका अगला क्वेश्चन इमीडिएटली पेशेंट से ये होना चाहिए कि ये सिम्टम आपको कब शुरू हुए थे, ये कब से ऐसे चल रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है मतलब ये लाली कब से आ रही है, ड्यूरेशन भी क्या है और कब हो रही है, सुबह हो रही है, दिन रात एक साथ है, सिवियरिटी कितनी है, बहुत लाल है, कम लाल है. सो आपने इन चार क्वेश्चंस पांच क्वेश्चंस पे ऑनसेट, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, सिवियरिटी, लोकेशन, आंख लाल है, किस कोने में लाल है, पूरी आंख लाल है, राइट आई है, लेफ्ट आई है, दोनों आंखें हैं, ये सब चीजें आपने डिस्कस करनी है. और ये क्वेश्चन शायद पेशेंट आपको चीफ कंप्लेंट में सिर्फ लाल बताता है, आपको उससे क्वेश्चंस पूछते जाने चाहिए. पेशेंट आया उसने कहा मेरी आंखें लाल हैं, तो हमको उससे देखना पड़ेगा कि किस तरफ पूछना पड़ेगा कि इस तरफ लाल कहता है, सुबह के टाइम हो जाती हैं, शाम के टाइम हो जाती हैं, बिल्कुल ये सब उनसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा. बिल्कुल, बिकॉज इन सब चीजों का बहुत रेलेवेंस है. और जब ये आप एक आई केयर शीट, प्राइमरी आई केयर शीट, एग्जामिनेशन शीट शुरू करते हैं, सबसे बड़ा कॉलम ऊपर हिस्ट्री का होता है. उस हिस्ट्री में वो रेडनेस के साथ साथ आप आंसर्स लिखते जा रहे हैं कि उसको सुबह होती है, डेली हो रही है, दो दिन से हो रही है, राइट आई में ही हो रही है, लेफ्ट आई में, ऑल दीज क्वेश्चन यू विल डिराइव एन आंसर और आप वो डिटेल फिर नोट डाउन करेंगे. उसके बाद
चीफ कंप्लेंट में हमारा सबसे मेजर रोल एक विजन एस्पेक्ट है, तो आप विजुअल सिम्टम्स को जरूर इलेबोरेट करिए, उससे ये क्वेश्चन करना कि उसके विजुअल सिम्टम्स ठीक हैं कि नहीं, उससे जरूर डिटेल करिए। हाँ, हम विजन बैठा के जरूर लेते हैं, बट पेशेंट से भी एक डिस्क्रिप्शन लेना बहुत जरूरी है। ही मे से कि मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, गुड इनफ, सो यू कैन राइट डाउन इन द हिस्ट्री नो विजुअल कंप्लेंट। आपकी डिटेल में जब आप चेकआउट करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि यस देयर आर विजन विच इज लेस, बट यू हैव टू नोट डाउन वॉट इज द पेशेंट हियर फॉर। उसके बाद अगर पेशेंट कहता है कि उसकी विजन ब्लर्ड है, तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे उसको प्रोब करेंगे, कब से ब्लर्ड है, किन सर्कमस्टांसेस में ब्लर्ड हो जाती है, कितनी बार कोई कहता है पास के लिए ब्लर्ड है, दूर से हो जाता है, कभी कभी होती है, हर समय ही ब्लर्ड है, कितनी दूर से होती है, पास जाने से ठीक होता है, पढ़ने में किस तरह से है, राइट आई में ब्लर्ड है, लेफ्ट आई में ब्लर्ड है, या दोनों आईज में ब्लर्ड है, और क्या ब्लर्ड विजन के लिए कोई पेशेंट ने पहले ट्रीटमेंट किया है। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर लेने के बाद आप उसमें हिस्ट्री में नोट डाउन करेंगे। सो सिंपली ब्लर्ड विजन इज नॉट द थिंग दैट यू विल राइट डाउन इन योर प्राइमरी शीट, यू विल नोट डाउन डिटेल्स कि ब्लर्ड विजन किस तरह से, व्हेन इज इट, वेयर इज इट, व्हाट इज इट एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ही हैज गॉन थ्रू। सिम्टम्स को, विजुअल सिम्टम्स को अगर डिस्क्राइब करेंगे तो एक सिम्टम बहुत कॉमन तो नहीं है बट काफी फ्रीक्वेंटली फिर भी क्लिनिक्स में आपके नोटिस किया होगा, डिप्लोपिया। डिप्लोपिया मींस डबल विजन। अब अगर पेशेंट गए मुझे दो दिखाई देते हैं, तो विजुअल कंप्लेंट्स में आपको उसको आगे डिस्क्रिप्शन भी पूछना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन इज वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया, इट इज वर्टिकल डिप्लोपिया और इज इट ऑब्लिक डिप्लोपिया। नाउ लुक एट द पिक्चर हियर, दिस इज वो ई अल्फाबेट, उसको वर्टिकली दो दिख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टली दो दिख रहे हैं या ऑब्लिक, लेट हिम डिस्क्राइब। आप उसको सामने कोई चीज देखने के लिए कहिए और उसको उससे डिस्क्रिप्शन देने के लिए बोलिए कि ये आपको वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, ऑब्लिक, वो डिस्क्राइब करेगा आपको कि डिप्लोपिया अगर हो रहा है तो किस तरह का है। नोट दैट डाउन। उसमें भी आपको दूसरी चीज ये पूछनी है उससे कि वेदर द डिप्लोपिया इज मोनोकुलर और बनोकुलर, मींस एक आंख से देखने में डबल विजन है या दोनों आंख खुली हैं तो डबल विजन हो रहा है, और उसको दूर देखने में, पास देखने में, किसी एंगल में देखने पे, इन सब चीजों को उससे डिटेल में डिस्कस करिए। और क्या हमेशा जब भी कोई सिम्टम हो, साथ साथ ये जरूर पूछते जाइए कि पहले कोई पेशेंट ने ट्रीटमेंट तो नहीं कराया, एनी प्रीवियस ट्रीटमेंट दैट ही हैज गॉन थ्रू। विजुअल सिम्टम्स में देर आर सम अदर थिंग्स विच यू हैव टू, मे बी इफ द पेशेंट डज नॉट आंसर, अगर आपको वो जवाब नहीं देता है या बता नहीं पाता है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने उसको साथ साथ पूछते जाने हैं। फर्स्ट इज फ्लैशेज ऑफ लाइट। फ्लैशेज ऑफ लाइट मीन्स जैसे उसको बिजली की तरह चमक सी दिखाई देती है, और अगर वो ऐसा कंप्लेंट है तो कब, किन सर्कमस्टांसेस में। हेलोज, हेलोज मीन्स रोशनी के बल्ब के आगे उसको रंग, कलर्ड से रंग दिखाई देते हैं। स्पॉट्स एंड फ्लोटर्स, बहुत कॉमनली पेशेंट्स इसको डिस्क्राइब करते हैं कि मच्छर से या मक्खी से काले धब्बे से आगे दिखाई देते हैं। देन लास्ट इज मेटामॉर्फोसिया। मेटामॉर्फोसिया मीन्स कि जो इमेज है, वो इमेज जो ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है, उसका साइज छोटा हो गया, बड़ा हो गया, या वो साइज शेप में नहीं है। तो इस तरह से आपने विजुअल डिस्टर्बेंसेज में अगर कोई सिम्टम्स हैं तो इनको आगे डिटेल में डिस्क्रिप्शन अडॉप्ट करनी है। Now let's go to, we had the chief complaint, we went on to the visual complaints, and now we'll go on to the symptoms of non-visual symptoms. That means, आँखों की vision से इलावा जो उसको symptoms हैं, और उसमें सबसे common symptom है headaches. I think 70% जो complaints clinic में आती हैं, eye-related patients में वो headaches के साथ ही आती हैं. तो headaches, हेडेक सिर्फ एक हेडेक पे नहीं छोड़ दीजिए। हेडेक्स को अगर मेडिकली देखा जाए तो उसके 101 कारण है। एक पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसमें आंख एक कारण हेडेक का हो सकती है, बट आपको उसको विजुअलाइज करने के लिए पूरी डिटेल लेनी है कि ये हेडेक्स आई से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है या मेडिसिन से रिलेटेड है। कैसे निकालेंगे इस आंसर को, हिस्ट्री पूछकर ही। सबसे पहले कि उसमें क्या सिरदर्द विजुअल से ओरिजिनेट होती है, पढ़ने के बाद, टीवी देखने के बाद, कुछ आंख पे जोर लगाने के बाद हेडेक्स होती हैं। सेकंड थिंग लोकेशन, लेट हिम डिस्क्राइब, फ्रंटल सामने की तरफ है, साइड्स की तरफ है, ऑक्सीपिटल है, आधे सर में है, लेट हिम फर्स्ट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑल्सो कि उसको वो बहुत अच्छे से बता पाता है।
फिर फ्रीक्वेंसी और अकरेंस, सुबह उठ के होती है, दोपहर को ज्यादा शुरू होती है, शाम को होती है, ये सब बहुत कुछ एक आंसर देते हैं कि ये आई रिलेटेड है कि नहीं है। जैसे अगर कंप्लेंट उसको सुबह की वक्त ज्यादा है तो ये शायद आई से रिलेटेड कंप्लेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट है तो आई प्रेशर्स में भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरमिटेंट है, पढ़ने के बाद ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं आई से रिलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी इसलिए कि कितनी बार हेडेक तो हर एक को ही हो जाता है, तो हेडेक में पेशेंट कह सकता है कि हाँ महीने में एक बार, क्या हम इस हेडेक को सीरियसली लेंगे? नहीं। अगर वो हफ्ते में एक बार दो बार हो रही है तो देन वी मे गो इन सीरियसली, सॉरी पार्डन मी प्लीज। और उसकी एसोसिएशंस की वो किससे ट्रिगर करती है, किससे उसको वो बढ़ जाती है, ये सब आप नोट करिए। फ्रीक्वेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्लिनिक में आते हैं, पीडियाट्रिक रिलेटेड हेडेक्स आती हैं और बच्चों से ये कहा जाता है, इस पेरेंट्स कहते हैं सिर दर्द होता है। डिस्क्रिप्शन पूरी लीजिए, डिस्क्रिप्शन वुड मीन कि आप इसको कितनी बार होती है, जी पिछले महीने एक बार हुई थी, क्या रेलेवेंस है, किसी को भी हो जाती है, धूप से, थकावट से, पढ़ने से, टीवी से, राइट? सो इफ इट इज फ्रीक्वेंट उसको नोट करिए, 2 out of 7, दैट मीन्स हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन, देन इट मीन्स समथिंग इम्पॉर्टेंट जिसको हमें ट्रीट करना है। एस्थेनोपिया, जिसका कॉमन वर्ड है आई स्ट्रेन, ये एक बहुत कॉमन हेडेक के साथ ही रिलेटेड कंप्लेंट है। एस्थेनोपिया में पेशेंट आपको कहेगा आंखों से पानी निकलता है, पढ़ने के बाद दर्द होती है, पढ़ने के बाद धुंधला दिखने लग जाता है। अगेन गो बैक टू इट इन डिटेल एंड आस्किंग द पेशेंट कब, कैसे, कितनी बार, किस वजह से होती है, पढ़ने से, काम करने से, दूर देखने से, टीवी देखने से, और ठीक कैसे होती है। एस्थेनोपिया के सिम्टम्स बहुत बार सो जाने से रिलीफ में पेशेंट आता है और इम्यूलरेट हो जाते हैं। देन नॉन विजुअल में एक्सटर्नल आई सिम्टम्स, ड्राइनेस, बर्निंग, स्टिंगिंग, इरिटेशन, ग्रिटीनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, पेन, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मीन्स ग्लेयर टू द लाइट। तो ये कॉमन कुछ कंप्लेन्स होती हैं जिनको हमने लिस्ट आउट किया है, जो कि पेशेंट्स खुद बता दे, बट आपको उसके साथ कोरिलेट भी करके क्वेश्चंस करने हैं कि यस कि स्टिंगिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है। हेयर अगेन आई वुड ऐड कि आप उसको डिटेल में फिर से पूछते जाइए, फ्रीक्वेंसी, ऑनसेट, व्हेन, हाउ, वेयर, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू कीप ऑन एडिंग। फोटोफोबिया, धूप में ग्लेयर होता है बाहर जाने से, अंदर से, लाइट को देखने से, डिटेल लीजिए। देन वी कम टू द पर्सनल हिस्ट्री। अब आपने पेशेंट से सिम्टम्स पूरे डिस्कस कर लिए, यू नो द विजुअल कंप्लेंट्स, यू नो द नॉन विजुअल कंप्लेंट्स, लेट्स कम बैक टू द पर्सनल हिस्ट्री। हिस्ट्री में ये बहुत जरूरी है कि आप पेशेंट से पूछो कि लास्ट एग्जामिनेशन क्या कोई कराया। इतने कागज आधे टाइम पेशेंट्स के पास होते हैं एंड दे डू नॉट टेल यू कितना चेक करा चुके हैं। क्या हम फिर से वही गलती करेंगे जो ट्रीटमेंट में है, जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं है? सो प्लीज इन द हिस्ट्री, लास्ट आई एग्जामिनेशन किसने किया, क्या हुआ, क्या उससे ठीक हुआ, कंप्लेंट्स उसकी सॉल्व हुई, चश्मा पहनने से ठीक हुआ, नहीं हुआ, ये सब आपने डिटेल लेना है। और लास्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, आंखों के साथ साथ उसका कोई और चेकअप्स भी हुए हैं, कोई और ट्रीटमेंट्स हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। पर्सनल हिस्ट्री ही जब हम देख रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको पर्सनल में ऑक्युलर कंप्लेंट्स भी पूछनी है। ऑक्युलर कंप्लेंट्स मीन्स कि उसकी ऑक्युलर हिस्ट्री में कोई इंजरी, कोई ट्रॉमा, कोई चोट तो नहीं लगी, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कहीं काला मोतिया की हिस्ट्री तो नहीं है, स्क्विंट तो नहीं था, सर्जरी तो नहीं हुई थी, रेटिना डिटैचमेंट की हिस्ट्री तो नहीं है। अभी आप उस स्टेटस पे पेशेंट के साथ बैठे हैं जहां पे आप उसके साथ एक कॉमन डिस्कशन कर रहे हैं, एग्जामिन नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। पूछने से ही बहुत कुछ पता चल जाता है, आपकी एग्जामिनेशन में आपको आइडिया लगेगा कि आपको, हमको बताया गया था कि अगर अच्छी हिस्ट्री अगर ले सकते हैं तो हाफ ऑफ द डायग्नोसिस इज कंफर्म। यस डॉक्टर सर, यू आर वेरी राइट, दैट इज व्हाट अ गुड प्रैक्टिशनर वुड डू। अच्छी हिस्ट्री ही आपको अल्टीमेटली एग्जामिनेशन का टाइम बचा देती है। ऑफ्थल्मोलॉजी क्लिनिक में हजारों इन्वेस्टिगेशन है, क्या हम सबके सब करेंगे? हम लिंक तो हिस्ट्री से ही निकालेंगे। और एक हिस्ट्री लेना, सिंपल 2 वर्ड लिख देना ब्लर्ड विजन या रेडनेस पे एंड नहीं करिए, उसकी बहुत डिटेल पूछते जाइए।
हमारे देश में शायद पेशेंट की एजुकेशन लेवल्स इलिटरेसी बहुत है और वो इस लेवल को नहीं समझते हैं कि क्या रेलेवेंट है क्या नहीं रेलेवेंट है, वो बताना समझेंगे ही नहीं आपको इम्पोर्टेंट कि ये हो चुका है, बट आपको उससे क्वेश्चंस डिराइव करने हैं. सो वी हैड गॉन टू दी पर्सनल हिस्ट्री इन दी ऑक्युलर कंप्लेंट्स. उसके साथ साथ हमारा रोल स्पेक्टिकल्स एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज है, स्पेशली उससे कॉन्टैक्ट लेंसेज और यहाँ स्पेक्टिकल्स अगर वो पहनता है तो उसकी कौन से पहनता है, पास का, दूर का, बाइफोकल, उससे वो सेटिस्फाइड है, कब चेक कराया था, कितने दिन पहले चेक कराया था, उससे उसको ठीक दिख रहा है, लास्ट कब चेंज किया था, ये सब क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिए विजन लेने से पहले. After we had the ocular examination, we'll now go into the personal history or जिसको हम कहते हैं general health conditions. आँख एक शरीर का हिस्सा है और शरीर की complaint से बहुत कुछ आँख में correlate होता है. जब आप एक अच्छी history लेंगे आप एक ophthalmologist को guide करेंगे because you are a part of ophthalmology and आपकी एक अच्छी history ही एक ophthalmologist को आगे conclusions पे derive करेगी. तो आपने personal history में general health, जिसमें अगर तो पेशेंट आपको बता देता है, बहुत कॉमन है ब्लड प्रेशर पूछना, पेशेंट ठीक है, डायबिटीज तो नहीं है, हार्ट की कंप्लेंट्स तो नहीं है, और कोई जनरल कंडीशंस पे आप जनरल क्वेश्चन पेशेंट से पूछिए, वो जरूर आपको आंसर देता जाएगा. इसके साथ साथ मेडिकेशंस बहुत साइड इफेक्ट्स कॉज करती हैं आईज के अंदर भी. मेडिकेशन को प्लीज नोट डाउन करिए कि वो रेगुलरली अगर लेता है, हाँ चार दिन पहले क्रोसेन खाई थी या कॉम्बीफ्लैम खाई थी उसका कोई रेलेवेंस नहीं है. मेडिकेशंस का मतलब है हार्ट के लिए रेगुलरली ले रहा है, शायद उसे आर्थराइटिस या एस्मा है जिसके लिए वो रेगुलरली कोई स्टीरॉयड्स वगैरह ले रहा है, कोई एंटी कैंसर ड्रग है, कोई भी ड्रग्स हैं जिसके साइड इफेक्ट्स आई से रिलेट हो सकते हैं, आप प्लीज उनको नाम नोट डाउन करिए. एलर्जीज को डिस्कस करना ये आज फर्स्ट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है मेडिकेशंस की हिस्ट्री और डिटेल को, बट यस आने वाली क्लासेस में आप अंडरस्टैंड करते जाओगे कि हर ड्रग का क्या रोल होता है. उसकी अपनी हिस्ट्री लेने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन फैमिली की तरफ भी जरूर जाना है. फैमिली की ऑकुलर हिस्ट्री में जाना है, उसमें क्या है, काला मोतिया, ग्लूकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट, एनी लो विजन, रेटिना की कोई पैथोलॉजी जो पेशेंट्स की फैमिली में है. क्यों? क्योंकि उन्हीं से हम कहीं ना कहीं ये भी डिराइव कर सकते हैं, हो सकता है पेशेंट के पेरेंट्स से फादर या मदर को ग्लूकोमा था या फैमिली में किसी को काला मोतिया था. इसको अभी नहीं है बट यस वी कैन वॉर्न दिस पेशेंट कि यस आपको काला मोतिया हो सकता है, इसलिए हमें ध्यान से उसका एग्जामिनेशन करना है जहां पे हम ये रूल आउट कर सकें कि ये पॉसिबिलिटी इसके आंख में तो नहीं आ रही. रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की सपोज फैमिली में हिस्ट्री है, सो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इसके अंदर तो नहीं है. ये कंक्लूजन हमें फैमिली हिस्ट्री से ही मिलेगा. और पेरेंट्स हाई मायोपिक हैं, उसके साथ साथ बच्चा मायोपिक हो सकता है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू टॉक. हेल्थ की जनरल कंडीशंस, डायबिटीज, पेरेंट्स को डायबिटीज है, इसको डायबिटीज चाहे नहीं है तो एटलीस्ट वी कैन गाइड देम. एक प्राइमरी आई केयर रोल में उनको डायबिटीज में पेरेंट्स के लिए ही शायद आप बता दें कि इसको डायबिटीज में रेटिनोपैथी से विजन लॉस हो सकता है, तो वो एक जनरल चेकअप कराते रहे. राइट, वी विल नाउ एंड अप आवर हिस्ट्री बाय वर्क एंड लेजर. आप पेशेंट से जब ऑक्यूपेशन वगैरह की बात कर रहे थे वहीं कहीं ना कहीं आपको उसकी डिटेल अंडरस्टैंड करनी है कि वो किस तरह से कंप्यूटर्स को यूज करता है. बहुत उसका वर्क फाइन है, जैसे वॉचमेकर है, गोल्ड स्मिथ है, बहुत बारीक काम करता है, दिन भर आंख से लगा रहता है. 90% लोग प्रोफेशनल्स जो हैं अब कंप्यूटर्स पे बैठे हैं, 8-8, 10-10 घंटे वो कंप्यूटर्स पे बैठे हैं, पढ़ने का कितना काम है. इन सब चीजों से आप डिराइव करोगे कि क्या ये कंप्लेंट्स वर्क से रिलेटेड भी हो सकती हैं या प्रॉपरली ऑक्युलर रिलेटेड है. देन सेफ्टी एंड आई हैजर्ड, अगर वो किसी इंडस्ट्री में ऐसे काम करता है जहां पे उसकी आई हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वेल्डिंग इंडस्ट्री में है, किसी केमिकल इंडस्ट्री में है, कुछ ऐसी इंडस्ट्री में है जहां फ्लाइंग पार्टिकल्स उसकी आंख में लग सकते हैं, तो यस एज प्राइमरी आई केयर प्रैक्टिशनर्स हमारा रोल बनता है कि हम उसको एजुकेट करें और उसको वार्निंग दें कि इस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें. Now, after taking a very good history, we will go into the external eye examination. Now, examination को करने के लिए आपको कुछ equipments या tools चाहिए होते हैं. Now, they may be आपके पास एक pen torch, pen light.
एक ऐसी डिफ्यूज फैली हुई बड़ी सी फीकी सी टॉर्च नहीं रखिए, एक पेन टॉर्च रखिए जिसमें लाइट अच्छे से फोकस होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर ऑप्टोमेट्रिस्ट की जेब में एक पेन टॉर्च होनी चाहिए। लाइट लैंप अगर ऊपर लगा हो आप उससे भी आई को एग्जामिन कर सकते हैं। थर्ड पिक्चर देखिए, यहाँ पे पेशेंट ने सिंपली एग्जामिनर ने हाथ में एक +10 लेंस पकड़ा हुआ है। +10 जो हमारे ट्रायल सेट जो साथ पड़े हैं उसमें एक लेंस है, +10 2.5x मैग्नीफायर का काम करता है। तो हैंड मैग्नीफायर की जगह अगर हम सिंपल कोई हाई प्लस लेंस स्पेशली +10 उठा के पेशेंट की आंख के आगे रखेंगे तो हमें उसकी आंख मैग्नीफिकेशन में देखेगी, और इसके साथ आप पेन टॉर्च अटैच करिए तो आपको इल्यूमिनेशन भी बढ़ जाएगा। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन अवेलेबल, आई डोंट थिंक कि फर्स्ट ईयर्स में आप सीधा स्लिट लैंप एग्जामिनेशन पे जाते हैं, दैट विल बी इन योर एडवांस ट्रेनिंग। जैसे जैसे आप करेंगे, स्लिट लैंप क्या है? स्लिट लैंप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट आंख पे डालता है और मैग्नीफाइड व्यू देता है। तो अगर आपके पास पेन लाइट है और एक +10 लेंस है, आप एक तरह से एक स्लिट लैंप ही क्रिएट कर लेते हैं। इफ नॉट वी हैव अ बर्टन लैंप लाइक दिस जिसमें ट्यूब लाइट लगी होती है, वो लाइट आंख पे पड़ रही है और ये मैग्नीफायर बीच में होता है, ये मैग्नीफाइंग लेंस से एग्जामिन किया जा सकता है। सो यू कैन हैव योर एग्जामिनेशन टूल्स वट एवर आर अवेलेबल, बट प्लीज स्टार्ट विद द एग्जामिनेशन ऑफ द आई। नाउ आफ्टर यू हैव अ जनरल एग्जामिनेशन ऑफ द आई की आंख में कॉर्निया को देख लिया, लिड्स को देख लिया, स्टेटस में अभी आप लोग ऑक्युलर एनाटॉमी ह्यूमन एनाटॉमी वाले स्टेटस में हैं, कुछ आई डिसीजेस की नॉलेज भी आपको हो गई है। यस, एज यू कीप गोइंग इनटू द हायर क्लासेस द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, दिस एग्जामिनेशन विल बी टॉट टू यू इन डिटेल कि आपने कॉर्निया को कैसे एग्जामिन करना है, लिड्स को, पर एक जनरल व्यू आपको लेना आना चाहिए। एटलीस्ट इस स्टेज पे आपको अब यहां पता होना चाहिए कि ये लिड में एबनॉर्मैलिटी है, ये नॉर्मल है, ये कॉर्निया नॉर्मल है, ये कॉर्निया ओपेक है, रेडनेस है नहीं है, ये सब चीजें अब इस स्टेज पे फर्स्ट ईयर तक आपको डेफिनेटली क्लासिफाई हो जाने चाहिए। नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिफरेंशिएशन करना, टॉर्च पकड़ के एग्जामिन करने में डायग्नोसिस ना बन पाए पर कोई बात नहीं, पर कम से कम इतना फर्क होना चाहिए जो नॉर्मल और एबनॉर्मल में राइट कुछ डिफरेंस है उसको ऑब्जर्व राइट, एंड उसी से बेस पे आप एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को रेफर भी कर सकेंगे। सो प्लीज स्टार्ट विद दैट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सो एक जनरल आई का व्यू लेने के बाद ये तभी संभव है जबकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स की स्टिल ली जाए, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट देखे जाए। आई वुड स्ट्रेस की फर्स्ट ईयर में यह सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर आप हिस्ट्री लेने की प्रैक्टिस पे आ जाए। सेकेंड इज अब आप पेशेंट की हिस्ट्री और जनरल एग्जामिनेशन के बाद उसकी विजुअल परफॉर्मेंस पे आइए। यहां हमारा मेजर रोल शुरू होता है, पेशेंट सीट बैठा के विजन चार्ट में करनी है। पेशेंट की विजुअल परफॉर्मेंस लाइट परसेप्शन है, ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है, रिकॉग्नाइज करता है, या डिटेल रेजोल्यूशन है। वी विल डिस्कस दिस वेरी ब्रीफली बिकॉज विजुअल एक्विटी का एक पूरा चैप्टर होता है जो कि पढ़ाने के लिए अगेन वी माइट हैव 60-70 स्लाइड्स ऑन इट। आई विल जस्ट हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ विजुअल एक्विटी टुडे। वी वोंट डिस्कस द रोल्स द प्रिंसिपल्स मच इन डिटेल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विजुअल एक्विटी लेना भी एक आर्ट है। विजुअल एक्विटी को लेने में भी पेशेंट को किस तरह से बिठाया जाएगा, किस तरह से आंख को ऑक्लूड किया जाएगा, लाइट कहां से आएगी, लाइट कैसे आएगी, पेशेंट कैसे बैठे, बिल्कुल ये सब चीजें आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करूंगी क्योंकि आप एक मेजर रोल मैंने नोटिस किया है फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा काम विजन पे असेस करते हैं। विजन लेना आपका मेजर रोल शुरू होता है। शायद अभी आप रेटिनोस्कोपीज और रिफ्रैक्शन पे नहीं पहुंचे हैं बट आप लोग विजन लेने का काम आपने सबसे पहले शुरू किया होता है। तो विजन को प्रॉपरली कैसे लेना है, बहुत गलतियां नोटिस की हैं अपने स्टूडेंट्स में, तभी कुछ गलतियों से आपको मैसेज देना चाहूंगे। सो विजुअल एक्विटी इज व्हाट इज विजुअल एक्विटी, जो हमारी आई की एक रेजोल्यूशन है कि हम कितना स्पेशियल फ्रीक्वेंसी को असेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड विजुअल एक्विटी। और इसको जो हम मेजर करते हैं, ज्यादातर जो स्नेलेंस चार्ट्स हमारे पास होते हैं वो हाई कॉन्ट्रास्ट चार्ट्स होते हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट चार्ट्स मीन व्हाइट चार्ट है उसके ऊपर बिल्कुल ब्लैक अल्फाबेट्स हैं। लो कॉन्ट्रास्ट वुड मीन व्हाइट चार्ट एंड ग्रे अल्फाबेट्स। आप कॉन्ट्रास्ट एक्विटी चार्ट्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ोगे, बट व्हेन वी मेजर दी विजुअल एक्विटी वी एक्चुअली स्टार्ट विद दी हाई कॉन्ट्रास्ट चार्ट्स। विजुअल एक्विटी बिल्कुल ठीक से मेजर हो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले लीगल इश्यूज। वी नो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज अब बहुत कंट्री में आ गए हैं और कहीं ना कहीं पेशेंट्स
विजन की असेसमेंट कितनी गलतियां देखी, कोई 660 पे ही छोड़ देता है, कहीं कहीं तो मैंने ये भी देखा चार लाइनें पढ़ी जाती हैं, कोई उठ के हिम्मत नहीं करता है अगर इलिटरेट पेशेंट है, और वहीं पे ही वो चार लाइनें 6x18 पेशेंट को दिख रही हैं या वो पढ़ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लीगल इश्यूज में से बचने के लिए आप लोग रिकॉर्डिंग जो करें बहुत प्रॉपरली करें। सेकेंड इंपॉर्टेंस विजुअल एक्विटी का इज रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर मीन्स अगर उस पेशेंट की विजन कम है तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में जो आएगा दैट इज कि पेशेंट हैज अ रिफ्रैक्टिव एरर, उसको कहीं ना कहीं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एनिसोमेट्रोपिया, विच वील फाइंड आउट लेटर, इट इज वेरी पॉसिबल कि उसको कोई रिफ्रैक्टिव एरर है। और थर्ड रोल इज विजुअल फंक्शंस को असेस करना होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ विजुअल एक्विटी, एज रिलेटेड चेंजेस के बारे में पता करने के लिए कि विजन अगर कम है तो आगे अब हमें उसको, आंख का मेन रोल क्या है, आंख का मेन रोल इज विजन, सो वेदर देर इज एनी नीड फॉर इंटरवेंशन वी विल डिटरमिन दिस नाउ, वेदर द पेशेंट इज अ पार्शली साइटेड और अ ब्लाइंड पेशेंट एंड नीड्स लो विजन कंसल्टेशन विल देन गो इन टू फर्दर असेसमेंट। सो स्नेलन फ्रैक्शन एक बेसिक टेस्ट जो होता है उसका बेसिक प्रिंसिपल बहुत डिटेल में नहीं, एक सिंपल वर्ड्स में यही बताऊंगी कि जो अल्फाबेट स्नेलन चार्ट्स पे बने होते हैं उसकी जो मिनिमम रेजोल्यूशन होती है वो 5 मिनट्स ऑफ आर्क आई पे हर अल्फाबेट फॉर्म करता है। अगर वो पेशेंट को वो अल्फाबेट दिखाई देता है वो तभी दिखाई देगा जब ये एंगल उसकी आंख पे या रेटिना पे बनेगा। और स्नेलेंस के अल्फाबेट्स जो यूजुअली बनाए जाते हैं सैंस सेरिफ या सेरिफ अल्फाबेट्स होते हैं, जो कि एक आप देखोगे हर चार्ट में आपको एक टिपिकल पैटर्न्स एच टी एक्स ए यू कुछ अल्फाबेट्स ही दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं कि हर अल्फाबेट उसमें आइडेंटिफाई किया गया है, नो, देर आर सर्टेन अल्फाबेट्स ई या एच ज्यादा आते हैं, दे आर स्पेशल सैंस सेरिफ और सेरिफ अल्फाबेट्स। वो क्यों क्योंकि हर अल्फाबेट को अगर बॉक्स में कंपाइल कर दें तो वो 5 मिनट्स का आर्क, हर पार्ट जो है उसका 1 मिनट आर्क एंगल फॉर्म करता है और वो पूरा अल्फाबेट मिला के 5 मिनट आर्क फॉर्म करता है, दैट इज हाउ हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इसका विजन थ्रेशहोल्ड है। आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस प्रिंसिपल इन डिटेल बिकॉज विजुअल एक्विटी एज आई सेड वी विल हैव इट मच इन डिटेल। नाउ द नेक्स्ट इज नॉन कंप्लायंट, द लास्ट पिक्चर यू कैन सी इज अ वी, वी यूजली डू नॉट ऑब्जर्व अ वी ऑन आर थिंग्स बिकॉज इसमें एंगल जो फॉर्म होता है वो ज्यादातर कम होता है, तो अल्फाबेट्स आर वेरी प्रॉपरली सिलेक्टेड विच हैव टू बी कंप्लायंट, वो उससे मैच करते हो ताकि वो 1 मिनट ऑफ आर्क ईच पोर्शन उसका आई पे रेटिना पे फॉर्म कर सके। हिंदी अल्फाबेट्स, लोकल लैंग्वेजेस अल्फाबेट्स को भी कुछ हद तक इसी फॉर्मूला पे बेस करके चार्ट्स को बनाया गया है, कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन में इफ आई वुड से आपको कभी कमी शायद दिखाई देगी। नोटिस मैंने भी किया है कि हिंदी अल्फाबेट्स में चार्ट पढ़ने में पेशेंट की विजन और इंग्लिश में पढ़ने में कुछ आपको वेरिएशन दिख सकता है, यही चीज लोकल लैंग्वेजेस में भी हो सकती है। फैक्टर्स विच विल इफेक्ट विजुअल एक्विटी, लेट्स गो ऑन टू दिस नाउ। सबसे पहले जब आप विजन असेस कर रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कॉन्ट्रास्ट है चार्ट का वो प्रॉपर होना चाहिए। देर इज अ फुल डिटेल विच यू विल बी टॉट कि इतने कैंडल्स लाइट होने चाहिए, इतना कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, बट जस्ट टू ब्रीफली टेल यू कॉन्ट्रास्ट शुड बी वेरी प्रॉपर। ऐसा ना हो कि चार्ट बिल्कुल फीके मीठे ब्राउन से चार्ट्स हो जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ग्रे से अल्फाबेट्स हो रहे हैं, मिट्टी पड़ी हुई है, आप विजुअल एक्विटी की असेसमेंट प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। ल्यूमिनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राइटनेस जो रूम में है, जो चार्ट के अंदर अगर सेल्फ इल्यूमिनेटेड है उसकी भी एक स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि इतने कैंडल लाइट इल्यूमिनेशन होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर मेजर करके देखी जानी चाहिए। ब्लर, एमेट्रोपिया मीन्स अगर उसको रिफ्रैक्टिव एरर है तो डेफिनेटली विजन कम होगी। पेशेंट की एक्सेंट्रिक फिक्सेशन है, एक्सेंट्रिक फिक्सेशन हम लोग सब देखते हैं तो हम लोग सीधा देखते हैं, अगर पेशेंट की आंख में स्क्विंट है या वो किसी टेढ़ा करके एंगल से देख रहा है तो एक्सेंट्रिक फिक्सेशन में देखने से भी उसकी विजुअल एक्विटी जो है जो प्रॉपरली मार्क नहीं या लेबल नहीं की जाएगी और जिस ऑब्जेक्ट्स को वो देख रहा है उस पर भी वो डिफाइन करती है। सो वॉट आर द डिजायरेबल फीचर्स ऑफ अ विजुअल एक्विटी चार्ट, एक प्रॉपर चार्ट में प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट, प्रॉपर ल्यूमिनेंस होना चाहिए, इसके साथ साथ उसमें अल्फाबेट्स, ज्यादातर जो हमारे पास सबसे लार्ज अल्फाबेट्स होता है वो 6x60 साइज का होता है, हो सके तो 6x120 वाले चार्ट्स अगर हों प्रेफरेबल है।
6 by 60 ऊपर एक अल्फाबेट, 6 by 36 दो अल्फाबेट, दीज आर स्नेलेंस नोटेशंस। कहीं ना कहीं अब आप पढ़ोगे कि स्नेलेंस चार्ट्स आने वाले टाइम में शायद आउटडेट हो जाएंगे। क्यों? जो प्रेफरेबल डिजायरेबल फीचर्स हैं दैट सेज कि इट शुड हैव सेम नंबर ऑफ लेटर्स पर लाइन। स्नेलन, हाँ राजगीर, एक मिनट राजगीर, हाँ बोलिए राजगीर। सर मैं अभिषेक बोल रहा हूँ सर, राजगीर। अभिषेक पहले अपना जो टीवी वॉल्यूम कम कर दीजिए सर, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, फिर सवाल पूछिए। अभी आपने बताया स्नेल चार्ट जो बताया, हाँ जी, उसमें एक मिनट एंगल बराबर क्या होता है? ओके और कुछ और अभिषेक, और कोई सवाल आपका, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, या मैडम सर, सर और दूसरा सवाल है कि 6x अभी हम लोग विजन करते हैं सर। हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। तो 6x6 या ये क्या होता है, 6 मीटर पे ही क्यों बिठाते हैं और ये 6x6 क्यों लिखते हैं और 6x24 सिक्स ही पहले क्यों रहता है, क्या चेंज भी होता है उसमें, 5 आ जाता है कभी 4 आ जाता है, ये क्या होता है? ओके, वेरी नाइस। आई थिंक वी कुड हैव गॉन इनटू विजुअल एक्विटी चैप्टर वेरी वेल, बट आई डोंट वांट टू स्टॉप यू हियर। इसको समझाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं विजुअल एक्विटी को लेमैन लैंग्वेज के फॉर्म में समझाऊंगी। 6x6 शायद आप सबको पता है कि हम एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसको कहते हैं, यस। 6x6 का क्या मतलब है? 6x6 का मतलब है कि ये पेशेंट की विजन नॉर्मल है और जो आपका विजन चार्ट है वो 6 मीटर्स पे पढ़ाया जा रहा है। डिस्टेंस जिस पे वो पेशेंट बेस्ट लाइन पढ़ रहा है वो 6 की है और इसको पढ़ने के वक्त जब वो 6x6 लाइन पढ़ रहा है तो वो जो अल्फाबेट 6x6 का है दैट इज फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 5 मिनट आर्क एट द रेटिना। बट रिमेम्बर जो अल्फाबेट्स हैं वो पूरा बॉक्स बना के 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, 5x5, तो ईच पार्ट 1 मिनट आर्क सबटेंड करता है। तो 6x6 का जो अल्फाबेट है वो 5 मिनट आर्क सबटेंड करता है जब वो चार्ट 6 मीटर पे पड़ा है। अब आप कहते हैं कि हम इसको 5 मीटर पे भी कर सकते हैं, यस आप उसको 5 मीटर पे भी कर सकते हैं, बट आपके चार्ट के अंदर जो नोटेशन है, चार्ट्स यूजुअली स्टैंडर्डाइज 6 मीटर या 20 फुट के लिए बने होते हैं। चार्ट्स को आप स्टैंडर्ड्स में चेंज कर सकते हैं, हमारे पास 3 मीटर के चार्ट भी हैं, 2 मीटर के चार्ट भी हैं, 4 मीटर के चार्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर वो 3 मीटर का चार्ट है तो उसमें जो 6x6 लाइन है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगी। मतलब ये है कि जो एंगल बनना चाहिए वो 6x6 का वो उतना बेसिक बनना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि 6x24 है, मतलब ये है कि अगर एक नॉर्मल आई है, मैं सपोज अगर अपने आप को नॉर्मल कहती हूँ तो मुझे वो जो 6x24 वाले साइज का अल्फाबेट है 24 मीटर पे दिखाई दे देता है। अगर वो पेशेंट की विजन 6x24 है तो वो 24 साइज वाला जो अल्फाबेट है जब 6 मीटर डिस्टेंस पे आएगा उसको तभी दिखाई देगा। ये एक लेमैन लैंग्वेज में फर्क है। 6x60 का मतलब आप इसी से निकालिए, मुझे वो अल्फाबेट 60 मीटर पे दिखाई देगा वो साइज का, एक 6x60 वाले विजन वाले पेशेंट को वही अल्फाबेट 6 मीटर पे पास आने पे दिखाई देगा। तो जो ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन था 5 बट अब यूज कर सकते हैं, पर उसमें से साइज हमको चेंज नहीं। अगर आप उसको चार्ट को 5 मीटर पे रखते हैं जो कि चार्ट 6 मीटर के लिए बना है, आप स्टैंडर्डाइजेशन को गलत कर रहे हैं। हाँ भुवनेश्वर पूछिए। मॉर्निंग सर, दिस इज डॉक्टर एस के त्रिपाठी फ्रॉम भुवनेश्वर। डॉक्टर त्रिपाठी बोलिए। इनफैक्ट येस्टरडे आई हैव रिपोर्टेड दैट ऑल आवर 11 स्टूडेंट्स दोज हैव जॉइंड बीएससी ऑप्टोमेट्री एंड ऑफ्थाल्मिक टेक्निक दे आर अवेलेबल एंड दे हैव बीन विटनेसिंग दिस टेलीकॉन्फ्रेंस सिंस लास्ट सिंस द वेरी फर्स्ट डे 3 days लास्ट डे। वन ऑफ आवर स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड टू पुट सम क्वेश्चंस। श्योर श्योर, सो आई एम हैंडिंग ओवर द फोन टू हिम। थैंक यू डॉक्टर त्रिपाठी। हेलो सर। यस हेलो सर। हाँ बोलिए भुवनेश्वर। हाँ बोलिए, नाम अपना बताइए, अपना नाम बताइए। सर मैं फर्स्ट क्वेश्चन, पहले अपना नाम बताइए। इन एक्सटर्नल आई एग्जामिनेशन, यस गो अहेड। अदर क्वेश्चन इज सर, व्हाई आर वी यूजिंग +10 डायरेक्टर इन एक्सटर्नल आई एग्जामिनेशन? यस ठीक है, आपका नाम क्या है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेरिफ अल्फाबेट? ओके ओके, 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। अपना नाम नहीं बताया आपने। थैंक यू सर। अपना नाम,
थैंक यू सो मच. आपका पहला क्वेश्चन ये था कि प्लस टेन लेंस को हम क्यों यूज करते हैं एक्सटर्नल आई एग्जामिनेशन में. एक्सटर्नल आई एग्जामिनेशन में एक अच्छी टॉर्च है और उसके साथ अगर हम कहें कि हाथ में प्लस टेन लेंस क्या है, सिंपल हैंड मैग्नीफायर का काम कर रहा है. चार डायोप्टर एवरेज 1x मैग्निफिकेशन देता है. तो इफ वी हैव अ प्लस 10 लेंस वो ऑलमोस्ट 2.5x मैग्निफिकेशन का काम कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप उसको 2.5 टाइम्स आंख को मैग्निफाई करके देख रहे हैं. तो अगर छोटी सी कोई ओपेसिटी है, छोटा सा कोई नोड्यूल है जो आप मिस कर रहे हैं, उस प्लस 10 को लगा के देखने से आप उसको क्लियरली देख सकते हैं. ढाई गुना मैग्निफाई कर देता है. यू कुड यूज अ प्लस 16, यू कुड यूज अ प्लस 20, बट ये होता है कि जितना हाई प्लस कर देते हैं वो इमेज एक तो फील्ड को छोटा कर देती है और डिस्टॉर्शन पेरिफेरी में कर देती है. सो प्लस 10 इज बेस्ट फॉर सच थिंग्स. एंड योर सेकेंड क्वेश्चन वॉर सेरिफ सैंस सेरिफ अल्फाबेट्स क्या है. सैंस सेरिफ वो है जो कि वो एक्चुअली विजुअल चार्ट में 5 के बॉक्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. इफ यू वुड सी दिस स्लाइड हियर, कैन आई जस्ट शो द स्लाइड ऑन द okay. If you would see the slide here, this V alphabet is not an actually a sans serif alphabet because ये उसको box में अगर उसके 5 parts में convert कर रहे हैं वो उसको पूरा cover नहीं करता है. जैसे इसमें आ रहा है वैसा उसमें नहीं, उसमें नहीं आ रहा. E alphabet is very good, H is very good. If I would say D E F H N P R U V Z are preferred alphabets for this. Okay. एक एक सवाल और था. भोपाल पूछिए, आप भी पूछिए, फिर बाद में जवाब दें. भोपाल बोलिए. हाँ सर, वो अपना नाम बताइए. बिठाते हैं, नाम बताइए. कन्हैयालाल मेहर. कन्हैयालाल मेहर. हाँ कन्हैयालाल बोलिए. यस सर, वो पेशेंट को जो अपन जिस चेयर पे बिठाते हैं, हाँ जी, उसकी हाइट का कितना क्या रखना पड़ता है सर, उसके बारे में बताइए. वो भी बता. आई विल डिस्कस दैट इन माय स्लाइड्स, प्लीज गिव मी टाइम. वो पार्ट में अभी डिस्कस करना, सेकंड लेक्चर में आपको कवर करेंगे. इसी लेक्चर में मैं अभी आपको डिस्कस कर देती हूँ. थैंक यू. ओके, तीसरा क्वेश्चन था उनका. यही दो थे. डॉक्टर मुनकम को भी थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि 45 मिनट्स हो गया एंड हम 15 मिनट का ब्रेक लेंगे. okay. और उसके बाद फिर हम अपना सेशन शुरू करेंगे. okay, तो मोनिका जी ने हमारे को बताया कि आईज जब हम एग्जामिन करते हैं हमारे क्या क्या चीजें जरूरी है, अच्छी हिस्ट्री के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, प्रेजेंट कंप्लेंट्स चाहिए, फैमिली हिस्ट्री चाहिए, पास हिस्ट्री चाहिए, जनरल हिस्ट्री चाहिए, और एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है, और विजुअल एक्विटी के बारे में थोड़ा बताया. इसको हम आज हमारा ये पहला सेशन है इसमें, इसको आगे हम और डिटेल में भी सेकंड सेशन में भी कवर करेंगे, और कल भी हम इसको आगे जारी रखते हुए और डिटेल में भी इसको कवर करेंगे. आई थिंक वी कैन डू दैट. आई थिंक विजुअल एक्विटी कैन बी कवर्ड स्टिल इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स इफ यू वांट. मैं कल उसको पूरा डिटेल में भी डिस्कस, उसको डिटेल में करेंगे. मीन बाइल अगर आपके कोई और सवाल हो तो आप हमारे को SMS या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, हम वो सवाल भी आपके कल लेंगे. अभी हम ब्रेक करेंगे और 15 मिनट के बाद आपसे दोबारा संपर्क करेंगे.